हेलो दोस्तों, आप सभी का सुकांति चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मखाने चावल की गुड़ वाली खीर, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 1 लीटर दूध, 1 कटोरी मखाने, आधी कटोरी चावल, आधी कटोरी नारियल बुरादा, 4-5 इलायची, कुछ ड्राई फ्रूट्स और 200 ग्राम गुड़। अब 1.5 चम्मच करीब घी डालेंगे। घी पिघलने के बाद इसमें मखाने डाल के थोड़ा फ्राई करूंगी। धीमी आंच में मखाने को थोड़ा सा पकाते हुए फ्राई करते रहूंगी। अब थोड़ा फ्राई करते रहेंगे। देखिए, मैं मसल के भी देख रही हूँ, ये टूट नहीं रहा है। हमारा मखाना थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, ये देखिए हमारा मखाना टूट रहा है। अब मखाने को हम प्लेट में निकाल देंगे। अब 1 लीटर दूध लेंगे। अब 1 ग्लास करीब पानी ऐड करेंगे। अब दूध को चलाते रहेंगे जब तक उबाल ना आ जाए हमारा। बीच बीच में ऐसे चलाते रहिएगा क्योंकि हमारा नीचे लग ना जाए। अब दूसरी तरफ में एक पैन बैठाऊंगी गैस ऑन करके। इसमें 1/2 ग्लास पानी डालूंगी और 200 ग्राम करीब गुड़ लूंगी, इसमें डाल दूंगी। अब गुड़ को थोड़ा चम्मच से चला देंगे। अब उधर दूध को भी थोड़ा देख लेते हैं, दूध में उबाल आ चुका है। थोड़ा कच्ची से चला देते हैं। आधी कटोरी भीगा हुआ चावल लेंगे। यदि आप चावल नहीं भिगाया हो तो आप 10 मिनट पहले गर्म पानी में चावल को भिगो देना। उबले हुए दूध में चावल को डाल देते हैं। अब कच्ची से थोड़ा घुमा देते हैं। अब मखाने को भी डाल के कसी से चला देते हैं। अब गुड़ को देखते हैं, हमारा गुड़ घुला है कि नहीं। नहीं घुला है। कुछ देर इसको चम्मच की सहायता से चला देते हैं। हमारा अभी भी पानी है, थोड़ी देर पकने देंगे इसको। इधर अब थोड़ा सा कच्ची की सहायता से चला देते हैं खीर को। अभी चावल को पकने देते हैं, तब तक हम इलायची को अच्छी तरह से दरदरा कूट देते हैं। ये हमारा इलायची अब कूट आ गया है। तब तक हम खीर को थोड़ा चला के देख लेते हैं। अब गुड़ को भी देख लेते हैं, घुला है कि नहीं। हमारा गुड़ घुल चुका है। खीर को गाढ़ा करने के लिए थोड़ा और देर पकाते हैं। हमारा चाशनी भी रेडी हो चुका है। हमें इसमें तार नहीं बनाना है, बस चिपचिपा थोड़ा चाहिए। खीर हमारा पक चुका है। खीर को गाढ़ा करने के लिए अब मखाने और चावल को थोड़ा मेंस देते हैं अच्छे से। हमारा खीर रेडी हो चुका है। ये हमारा खीर रेडी हो चुका है। अब हम ड्राई फ्रूट्स और इलायची और नारियल बुरादा डाल देंगे। ये हमारा इलायची, ये हमारा ड्राई फ्रूट्स थोड़ा डालेंगे और थोड़ा रखे रहेंगे बाद के लिए। ये हमारा नारियल बुरादा, आपकी पसंद के हिसाब से आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा खीर अब रेडी हो चुका है। अब खीर को बंद कर देते हैं। अब इसको ठंडा होने देते हैं, चाशनी और खीर को।
ध्यान रखिएगा खीर और चाशनी ठंडा होना चाहिए, नहीं तो खीर फट सकता है। अब हमारा खीर रेडी हो चुका है, अब चाशनी को ऐड कर देते हैं। चाशनी हमारा ऐड हो चुका है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं चाशनी और खीर को। देखिए हमारा चाशनी और खीर मिक्स हो चुका है, अब एकदम इसका रबड़ी जैसा बन चुका है हमारा खीर। अब इसको प्लेट में सर्व करते हैं। हमारा खीर रेडी हो चुका है, अब थोड़ा गार्निश कर देते हैं ड्राई फ्रूट से। अब हमारा रेडी हो गया है हेल्दी और टेस्टी मखाने चावल की गुड़ वाली खीर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।